गुड मॉर्निंग स्टूडेंट यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में एक रूल है, जो एक रूल मैंने आपको डिग्रीज इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज वाला रूल आपको एक्सप्लेन किया था, और आज है बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर आप ट्रांसफॉर्मेशन में अगला टॉपिक कंटिन्यू करिए। तो आप लोगों के लिए मैं रूल सेकंड लाया हूँ, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदल देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की डेफिनेशन आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर चुका था। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वाक्यों का रूप परिवर्तन, मैंने आपको बताया था जब किसी वाक्य के रूप में इस तरह परिवर्तन किया जाता है कि वाक्य का रूप तो बदल जाए लेकिन उसका अर्थ ना बदले, यानी द इंटरचेंज ऑफ अ सेंटेंसेस इन सच अ वे दैट द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस चेंज बट द सेंस नॉट चेंज इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट इसमें आज मैं आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस से किस तरह हम नेगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं और इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस से किस तरह अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। तो पहला इसका रूल है जो वो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए हम ये देखते हैं क्या हमारा जो सेंटेंस दिया गया है उसमें कोई ऐसा वर्ड है जिसका अपोजिट बनता हो। और स्टूडेंट हमने सेंटेंस को देखा और हमें ऐसा वर्ड मिल गया जिसका अपोजिट बनता है, तो हम उस सेंटेंस में क्या करते हैं, सहायक क्रिया के बाद उसमें नॉट लगा देते हैं और उस वर्ड का अपोजिट लिख देते हैं जिसका अपोजिट बनता है, और इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए रूल नंबर एक में, जैसे मैं कहूं सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए स्टूडेंट ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, जब हम इसको नेगेटिव में बदलेंगे तो मैंने देखा देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है जिसका अपोजिट बनता है, तो यहां लिख देंगे सीता इज, इसके बाद मैंने लगा दिया नॉट। अब आप ब्यूटीफुल है इसमें, इसका हम जब अपोजिट लिखेंगे तो लिख देंगे एन अगली गर्ल। देखिए स्टूडेंट अगर हम पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस दोनों का सेंस निकालेंगे तो सेम सेंस आएगा, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है, दूसरे सेंटेंस में सीता इज नॉट एन अगली गर्ल, सीता एक बदसूरत लड़की नहीं है, और बदसूरत लड़की नहीं है तो सुंदर लड़की है, सेंस आप देखिए सेम आएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, देखिए लगा मोहन इज अ थिन बॉय, देखिए स्टूडेंट इसमें थिन एक ऐसा वर्ड है जिसका अपोजिट बन रहा है, यहां पर लिखेंगे हम मोहन इज नॉट, थिन का अपोजिट लिख दिया फैट बॉय। पहले वाक्य का सेंस है मोहन एक दुबला पतला लड़का है, दूसरे वाक्य का अर्थ है मोहन एक मोटा लड़का या फैट बॉय नहीं। इसी तरह से स्टूडेंट हम नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं, जैसे मैं लिखूं माय शर्ट इज नॉट टाइट TIGHT। तो स्टूडेंट देखिए इसमें नॉट लगा है यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है, अब इसको मैं अफर्मेटिव सेंटेंस में जब चेंज करूंगा तो मैंने देखा टाइट का
अपोजिट लूज होता है। इस सेंटेंस में से नॉट को हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा और ये सेंटेंस बदल जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो मैं लिखूंगा माई शर्ट इज, नॉट हट जाएगा और टाइट भी हो जाएगा लूज। इस तरह से स्टूडेंट हम अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में आराम से इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये आपका मैंने पहला जो रूल था वो आपको बताया कि वर्ड की वर्ड उसमें क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कोई ऐसा वर्ड है जिसका अपोजिट बन रहा है तो हम निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए नॉट लगा देते हैं और उसी को अफर्मेटिव चेंज में चेंज करने के लिए उसमें से नॉट हटा करके उस वर्ड का अपोजिट लिख देते हैं। दूसरा स्टूडेंट इसका रूल है इंटरचेंज इन डिग्रीज, डिग्रीज वाला का नियम को फॉलो करके भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलते और निगेटिव को अफर्मेटिव में बदल देते। जैसे देखें सोहन इज वाइजर देन मोहन। देखें स्टूडेंट ये कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है, एडजेक्टिव की सेकेंड फॉर्म के तुरंत बाद देन आया है तो इसको जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो सेंटेंस को लास्ट से शुरू करेंगे स्टूडेंट तो लिखेंगे मोहन इज, इसके बाद इसमें नॉट आएगा, वाइजर की जगह हम पॉजिटिव डिग्री कर देंगे, अब नॉट आया है तो इसमें सो लगेगा, वाइजर की पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी वाइज, देन को हटा के एज लिख देंगे और वाक्य का प्रारंभ लिख देंगे तो हो गया मोहन इज नॉट सो वाइज एज सोहन। तो देखिए सोहन इज वाइजर देन मोहन, सेंस वही आ रहा है स्टूडेंट, मोहन इज वाइजर देन सोहन इज वाइजर देन मोहन और मोहन इज नॉट सो वाइज एज सोहन। तो इसी तरह से अभी मैंने ये अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदला, अब देखिए मैं नेगेटिव से अफर्मेटिव में बदलूंगा, जैसे लगा सी इज एज इंटेलिजेंट, सी इज एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर। देखिए स्टूडेंट ये सेंटेंस है आपका अगेन असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस और हम इसको बदल रहे हैं नेगेटिव में, तो नेगेटिव में बदलेंगे लिखेंगे हर सिस्टर, हर सिस्टर वाक्य वन से प्रारंभ करेंगे इज, इसके बाद नॉट। अब देखिए ये यहां पे है आपका पॉजिटिव डिग्री का बात, इसे हम नॉट लगा दिया और इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे, हर सिस्टर इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन, इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री बनी मोर इंटेलिजेंट देन सी। देखिए स्टूडेंट मैंने आपको ये अफर्मेटिव से निगेटिव में अभी बदल के बताया, अब देखिए मैं बताऊंगा नेगेटिव से, जैसे लगा आई एम नॉट, देखिए इसमें नॉट आया है नेगेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट सो रिच एज यू। इधर देखें है पॉजिटिव डिग्री का वर्ब सो एज का जोड़ा आया है, इसको हम क्या करेंगे नॉट हटा देंगे इसमें और उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे तो लिख देंगे यू आर रिचर। देखिए रिच की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो रिचर होती है, यू आर रिचर देन लगाएंगे और आई, देखिए सेंस सेम है स्टूडेंट, I am not so rich as you हो गया, you are richer than I। इसी तरह से
बाला इज नॉट बिगर, बाला इज नॉट बिगर देन कानपुर। देखिए स्टूडेंट, इसमें नॉट आया है और जब हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो वाक को अंत से शुरू करेंगे, लगेंगे कानपुर इज एज बिग एज बांदा। देखिए बांदा इज नॉट बिगर देन कानपुर, तो लिखा हमने कानपुर इज एज बिग एज बांदा। तो ये होगा हमारा इंटरचेंज इन डिग्रीज। डिग्रीज के नियमों का प्रयोग करके भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में तथा नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में आसानी से बदल सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें अगला जो रूल मैं बता रहा हूं वो है एडवर्ब टी डबल ओ टू और टी ओ टू का प्रयोग करके। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं, सेंटेंस में ही इज टी डबल ओ टू फैट टू रन, ये है एडवर्ब टू और ये टू टी ओ टू, ये जोड़ा से आता है स्टूडेंट किसी भी सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में ये जोड़ा से आता है। तो जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो इसको हटा देते हैं, लगेंगे ही इज टी ओ टू की जगह लगा देते हैं सो, ही इज सो फैट। अब यहां इस टी ओ टू को हटा के यहां कंजंक्शन लगाते हैं, भाव के अनुसार सब्जेक्ट लिखते हैं ही और यहां प्रेजेंट टेंस हो तो कैन नॉट लगाते हैं और अगर पास्ट टेंस हो तो कुड नॉट लगाते हैं। तो ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। तो देखिए स्टूडेंट, एडवर्ब टी डबल ओ टू और टी ओ टू का प्रयोग करके भी हम ये अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। एक और सेंटेंस देखिए, सी वॉज टी डबल ओ टू पुअर टू पे हर फी। देखिए स्टूडेंट, इसमें भी टी डबल ओ टू टी ओ टू आया है तो हम सी वॉज टी डबल ओ टू को हटा के हमने शो कर दिया पुअर दैट, फिर भाव के अनुसार सब्जेक्ट सी आएगा। याद देखिए ये बार पास्ट टेंस में इसलिए इसमें कुड नॉट लगेगा, सी कुड नॉट पे हर फी एफ डबल। इसी तरह से स्टूडेंट, हम जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें टी डबल ओ टू और टी ओ टू का यूज करके उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। जैसे देखिए, He was so tired that he could not, देखिए पास्ट है या बॉस लगा है, he could not walk। अब देखिए स्टूडेंट, मैं ये नेगेटिव सेंटेंस है, कुड नॉट लगा है, इसको जब अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करूंगा तो वही रूल करना है, उस शो की जगह पे मैं क्या कर दूंगा टी डबल ओ टू, तो यहां लगेंगे ही वॉज टी डबल ओ टू टायर्ड और यहां पे देयर कंजंक्शन इस सब्जेक्ट और कुड नॉट को हटा देंगे, इसकी जगह पे क्या करेंगे टी ओ टू लिखेंगे, तो लिखेंगे ही वॉज टू टायर टू वॉक। स्टूडेंट ये हो गया ही वॉज टू टायर टू वॉक। और देखिए स्टूडेंट, आई एम सो बिजी दैट आई कैन नॉट अटेंड
द मीटिंग। स्टूडेंट यहां पे देखें, फिर वही रूल फॉलो करेंगे, सो किए गए पर टी डबल ओ टू कर देंगे, लिखेंगे आई एम टी डबल ओ टू बिजी, और दैट हटा देंगे, सब्जेक्ट हटा देंगे, कैन नॉट हटा देंगे, इसकी जगह पे टी ओ टू लगा देंगे, तो आई एम टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग। देखिए इस तरह से स्टूडेंट हम एडवर्ब टी डबल ओ टू और टी ओ टू का प्रयोग करके भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में तथा नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट इसका अगला रूल है, अगर कोई भी सेंटेंस एज सून एज से शुरू हुआ हो, एज सून एज ही सॉ अ स्नेक कॉमा ही रैन अवे, तो जब कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस एज सून एज से शुरू हुआ हो तो हम स्टूडेंट उसको नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए एज सून एज की जगह पे क्या करते हैं, नो सूनर लिख देते हैं, नो सूनर, और नो सूनर के बाद हमेशा यहां पे डिड लगाते हैं, यहां डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट ही, और साग लिएगा जब डिड लग जाएगा तो बाद की फर्स्ट फॉर्म आई डिड ही सी एस डबल सी आ स्नेक, और यहां कॉमा हटा के स्टूडेंट देन लगा देते हैं, और फिर ही रेन अवे, यानी कॉमा के बाद जो पूरा सेंटेंस जो कहते हो लिख देते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट इसमें क्या करना है आपको, एस सून एच को हटा के उसकी जगह पे नो सूनर और डेड लगा देना है। इसको हम एक तरीके से और चेंज कर सकते हैं, इस डेड की जगह अगर हम जो चाहे तो हेड भी लगा सकते हैं, फिर यहां पे हेड लगाएंगे तो बर्फ की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। देखिए इसी को और मैं चेंज करके आपको बता रहा हूं, यहां पे लिख देंगे नो सूनर, डेड की जगह पे आ जाएगा हेड ही सीन, अब चूंकि हेड है पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है तो इसके साथ तो बर्फ की थर्ड फॉर्म लगती है, सीन आ इसमें, और फिर कॉमा हटा के देन लगा दिया, और देन के बाद पूरा सेंटेंस जो कहते हो ही रेन अभी। तो इसे आप दो तरह से, या तो डेट लगा देंगे, तो डेट लगाएंगे तो यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर हेड लगाएंगे तो यहां पर भी थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जब डेट लगती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जब पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड लगता है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। केवल यहां कॉमा हटा के आपको देन लिखना है और दूसरा सेंटेंस जो कहते हैं लिखना। तो इस तरह से हम एस सून एज की जगह पर नो सूनर लगा देते हैं और बाद सेंटेंस को क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। इसी तरह जब कोई सेंटेंस नो सूनर से शुरू हुआ हो, जैसे नो सूनर डिड द टीचर, नो सूनर डिड द टीचर केम कम सॉरी डिड लगा है, देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। देखिए स्टूडेंट इसमें तो नो सूनर की जगह डिड, नो सूनर डिड को हटा के हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, एज सून एज सून एज, फिर द टीचर डेड को हटा देना है। अब यहां पे कम आया था, अब इसकी जगह सेकेंड कॉम लगेगी केम, देन को हटा के कॉमा लगा देना है, और फिर द स्टूडेंट्स स्टोर्ड अप जो कहते हो, द स्टूडेंट्स स्टोर्ड अप। तो देखिए स्टूडेंट इस तरह से
मैंने नो सुनर डेड बॉड आगे उसकी जगह पे सुनर रख दिया, इसके बाद द टीचर यहाँ बाद की सेकंड फॉर्म रख दी, देन वो हटा करके कॉमा लगा दिया और इसे सेंटेंस पूरा जो कहते हो लिख दिया। तो इस तरह से इस रूल को फॉलो करके भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में तथा नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट अगला इसका रूल जो है मैं आपको बता रहा हूं, जब किसी सेंटेंस कोई भी सेंटेंस अलोन या ओनली से शुरू हुआ, देखिए जैसे लगा ओनली राम पास्ट इन इंग्लिश। अब देखिए ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ओनली से शुरू हुआ है तो ओनली की जगह हमें क्या करना है स्टूडेंट, नन बट लिख देना है, नन बट और पूरा सेंटेंस इसके बाद ज्यों का त्यों लिख देंगे, नन बट राम पास्ड इन इंग्लिश। तो याद रखिए इस रूल को, जब कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस ओनली से शुरू हुआ हो तो उसकी जगह पे आपको नन बट लिखना है, और जब कोई नन बट से शुरू हुआ हो जैसे नन बट मिरकल कैन सेव हिम, तो हम इसमें क्या करेंगे ओनली नन बट को हटा के उसकी जगह पे लिख देंगे ओनली मिरकल कैन सेव हिम। तो स्टूडेंट इसी तरह से अगर किसी सेंटेंस के बीच में सब्जेक्ट के बाद अलोन आया हो, जैसे लिखा सोहन अलोन गॉट द प्राइज, सोहन अलोन गॉट द प्राइज, तो इसमें देखा हमने अलोन आया है, इसमें क्या करेंगे अलोन को हटा देंगे सेंटेंस से, और सेंटेंस के शुरू में क्या लिख देंगे नन बट, यहां पे देखिए नन बट सोहन गॉट द प्राइज। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने अलोन या ओनली वाले सेंटेंस को वाक्य प्रारंभ में नन बट का यूज करके उसे नेगेटिव सेंटेंस में बदल दिया, और इसका मैंने आपको अपोजिट भी बताया। ओके स्टूडेंट इसके बाद इसका एक और रूल है वो मैं आपको बता रहा हूं, आप ये देखिए कि जब ये रूल जो मैंने अभी आपको बताए हैं इनमें से कोई भी रूल लागू ना हो तो उस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, डिड नॉट फेल टू, डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करके भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं, जैसे ही अटेंडेड द मैरिज पार्टी, ही अटेंडेड द मैरिज पार्टी। अब स्टूडेंट इसमें देखिए आप कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है, जब रूल कोई ना लागू हो तो आप यहां क्या करते हैं सब्जेक्ट के बाद ये डिड नॉट फेल टू लगाते हैं, ही डिड नॉट फेल टू। अब इसके बाद ये वर्ब जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ही डिड नॉट फेल टू अटेंड द मैरिज पार्टी। तो देखिए स्टूडेंट ये सेंटेंस बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से एक और सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं, दे डिड नॉट फेल टू सी द ताज। देखिए स्टूडेंट ये नॉट आया है, अब मैं इसको अफर्मेटिव में चेंज करूंगा तो यहां पे क्या होगा, दे
did not fail to, ये आ जाएगा इतना, और यहाँ पे verb की second form आएगी saw, they saw the Taj. तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने आपको इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस आपको एक्सप्लेन किया, यानी अफर्मेटिव से किस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं और किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलते हैं. स्टूडेंट ये आपका आज का टॉपिक था, और स्टूडेंट निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा. तो स्टूडेंट आप लोग मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और इसी तरह से आप लोग मेरे वीडियोस को देखिए, ताकि आप लोग मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करते रहें. ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक्स अ लॉट.